देश भर के साथ ही मध्य प्रदेश में भी तेज ठंड पड़ रही है। प्रदेश के कई हिस्से में कोहरे और बारिश की चपेट में आए हैं। कोहरे के चलते उत्तर भारत से पहुंचने वाली कई ट्रेनें अभी भी देर से चल रही है। तेज ठंड के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद नगर निगम सड़क किनारे रहने वाले लोगों के लिए अलाव की व्यवस्था कर रहा है। वहीं खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को शहर में संचालित निगम के साथ रैन बसेरों में भी पहुंचाया जा रहा है। फिर भी कुछ लोग हैं जो रैन बसेरों में रुकने को तैयार नहीं है। हालांकि यहां यात्रियों को लेकर पूरी व्यवस्था की गई है। निगम कमिश्नर हर्षव सिंह ने कहा कि अधिकांश रैन बसेरों पर सभी व्यवस्थाएं ठंड के अनुरूप कर दी गई है। खुले में रहने वाले लोगों को नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी सड़क से उठाकर रैन बसेरों में पहुंचा रहे हैं। देखिए, नगर निगम ये प्रयास करता है और उसमें हम सफल भी रहे हैं कि बहुत लोग जो बाहर सो रहे हैं ठंड के समय में, उनको रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाए। समय समय पर हमारी NULM की टीम उसको शिफ्ट करती है, और बीच में भी मैंने जब निरीक्षण किया तो रैन बसेरे में व्यवस्थाएँ सब अच्छी पाई गई थी। कुछ लोग जो बहुत दिनों से कई जगह फुटपाथ पर रहते हैं, वो कुछ और भी इनके कारण रहते हैं। कई लोग वहाँ पे दान भी जाके देते हैं जिससे वो उस जगह पे रहते हैं। फिर भी हमने उनको समझाइश दी है कि रैन बसेरे में जाइए और रैन बसेरे में सभी व्यवस्था दुरुस्त है उसमें रहिए। नहीं नहीं, रैन बसेरा के तो पूरी व्यवस्था है, और हम लोग रात को भ्रमण पे भी निकले थे, और पूरे अधिकारी नगर निगम के कर्मचारी सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। रात के समय निकलते हैं, लेकिन जो फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं तो कई लोगों को तो समझा के अपनी गाड़ियों से, मतलब नगर निगम की गाड़ी से रैन बसेरे में पहुंचाया भी था। लेकिन कई लोगों का ये कहना है कि जैसे अगर मान लो अपन रैन बसेरे में पहुंचा भी देते हैं, पर वो सुबह फिर आ जाते हैं उसी जगह पे, क्योंकि इन लोगों का कहना है जैसे लोग मंदिरों के पास में जैसे दान पुण्य करते हैं तो उनको मिलता रहता है। तो ये समस्या बाद बाकी वैसे कोई समस्या नहीं है। और जो लोग सो रहे हैं, लोग कहते हैं हम बाहर से आए हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे। मतलब